स्वागत है जी थोड़ा पंजाब पंजाबी चैनल पर। तो असी कर रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पंजाबी दे। अगे है 75 प्रश्न। पंजाबी बोली का इतिहास का लेखक संत सिंह सेखों। पंजाबी बोली का इतिहास का लेखक कौन है? संत सिंह सेखों। भाषा विभाग पंजाब का मुख्य दफ्तर किस शहर विच है? है पटियाला। भाषा विभाग पंजाब का मुख्य दफ्तर। इन्हां विचों मलवई उपभाषा का खेतर केड़ा है? मलवई। तो है फिरोजपुर। पंजाबी बोली का निकास ते विकास का लेखक है? प्रेम प्रकाश सिंह। पंजाबी बोली का निकास ते विकास। गुरमुखी लिपि किस पुरातन लिपि तो उपजी है? ब्राह्मणी तो। गुरमुखी लिपि किस पुरातन लिपि तो उपजी है? ब्राह्मणी तो। पंजाबी भाषा विच कार दंतक किन्नी प्रकार के होंदे हन? तय होंदे हन चार प्रकार के। ब्रैक्ट विच दित्ते विश्राम चिन्ह नू की नाम दिता गया है? छुट मरोड़ी। पंजाबी भाषा की विशेषता है वियोगात्मक भाषा। पंजाबी भाषा की विशेषता है वियोगात्मक भाषा। पंजाबी भाषा अध्ययन खेत्र का प्रमुख खोजकार है? प्रेम प्रकाश सिंह। गुरमुखी लिपि विच मुक्त लिखा किस नू कहा जाता है? व्यंजन लिपाक नू। पंजाबी यूनिवर्सिटी दे ने पंजाबी उपभाषावां दे एटलस विच पंजाब दियां किन्नियां उपभाषावां दी खोज कीती? तो कीती है 28 भाषावां दी खोज। पंजाबी विच जिन्हां विधेतरां नाल नवें शब्दां दी सिरजना हुंदी है उन्हां नू आखदे हन? व्योंदपद पिछेत्र। पंजाब अते पंजाबी उपर विदेशी प्रभाव का करता है? प्रीतम सिंह। पंजाब अते पंजाबी उपर विदेशी प्रभाव का करता प्रीतम सिंह। उत्तरी लहिंदी विच केड़ी उपभाषा नू रख्या जाता है? तो वह रख्या जाता है पोठोहारी। अष्ट अध्याय दा करता है पाणिनी। पंजाबी मुहावरा अते अखाण कोश दा संपादक है बिक्रम सिंह कुम्मन। पंजाबी बोली दा इतिहास दा लेखक है? संत सिंह सेखों। पंजाब पंजाबी अते पंजाबीयत दा लेखक कौन है? प्रीतम सिंह। भाषा दे बुनियादी तत् हन? तो भाषा दे बुनियादी तत् हन उचार, स्रोत, चिहन प्रणाली, आप हुंदरापन। पंजाबी भाषा दा मुख लक्षण है? पंजाबी भाषा सुरात्मकता है, सुरात्मक है। गुरमुखी लिपि किस वर्ग दी है? दुनियात्मक है, विचारात्मक है, सिलेथिक है, वर्णात्मक है। गुरमुखी लिपि किस वर्ग दी है? सिलेथिक दी। केड़ी लिपि सिलेथिक नहीं है? रोमन, देवनागरी, गुरमुखी, टाकरी। तो इसका आंसर होगा गुरमुखी। पंजाब दे नाल लगते किहड़े राज विच पंजाबी नू दूजी भाषा वजो मानता प्राप्त है?
हिमाचल प्रदेश। पंजाबी दी किरिया अते किरिया वाकंश उपर मियारी खोज कार्ज किस दा है? हरकीरत सिंह दा। पंजाबी विच सभ्याचारक जीहन विज्ञान दी खोज विधि दी वरतों किसने कीती? मुख्तियार सिंह गिल ने। पंजाबी भाषा दा विकास होया है शोर सैनी विचों। पंजाबी भाषा स्रोत ते स्वरूप। पुस्तक दा लेखक है बूटा सिंह बड़ाल। गुरमुखी लिपि दे विकास लई सब तो वध योगदान किस गुरु साहिबान दा मन्या जांदा है? तां ही मन्या जांदा है गुरु हर राय साहिब जी दा गुरमुखी लिपि दे विकास लई। ठीक है, पंजाबी भाषा ते साहित दी दिशा ते दशा दा संपादक है परमिंदर सिंह। पंजाबी भाषा दा आरंभ कदों होया? तां ही होया सी 9वीं ते 10वीं सदी विच। पंजाबी दे विकास दी अवस्था दा समा है 1000 ईस्वी तो 1700 ईस्वी तक दा। केड़ी उपभाषा पंजाबी दा शुद्ध रूप है? माझी। माझी विच केड़े केड़े इलाके आंदे हन कमेंट विच जरूर लिखना। अजकल पंजाबी दा बोली शब्द वरत्या जांदा है आम लोकां दी भाषा ले। सब तो पुरातन पंजाबी साहित मिलता है मुल्तानी विच। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली विच पंजाबी भाषा नू केड़ा दर्जा प्राप्त है? दूजा। गुरमुखी लिपि दा नां गुरमुखी किवें पिया? गुरु अंगद देव जी वालों इस नू बनाए जान करके, गुरु नानक देव जी द्वारा इस नू प्रचलित करन करके, गुरु साहिबान वालों इस नू अपनाउण अते गुरबाणी लिखण लई वरतन करके, गुरु अर्जन देव जी वालों गुरु ग्रंथ साहिब दी इस विच रचना करन करके। तां इह है गुरु साहिबान वालों इस नू अपनाउण अते गुरबाणी लिखण लई वरतन करके। नवीन पंजाबी व्याकरण दा लेखक है? नवीन पंजाबी पुछया इत्थे उन्होंने करम सिंह गंगावाला। गुरमुखी लिपि दा जन्म ते विकास दा रचनाकार है जेबी सिंह। ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, गुरमुखी लिपि दा जन्म ते विकास जेबी सिंह। गुरमुखी लिपि दे इतिहास उत्ते किस विद्वान ने काम नहीं किया? हरजीत सिंह गिल ने। आधुनिक पंजाबी दा पहला व्याकरण तैयार करने वाला है विलियम कैरी। गुरमुखी टाइप नू सब तो पहला किस रचना विच वरत्या गया? पंजाबी न्यू टेस्टामेंट। भारत विच आउण वाला पहला सूफी शेख कौन सी? हज़रत अली बिन उस्मान अल हुज़वेरी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दा किस सिलसिले नाल संबंध सी? चिश्ती नाल। सूफी मत विच इश्क दियां किस्मां हन, इश्के हकीकी ते इश्के मिजाजी दा संकल्प है। सूफी मत अजिही विचारधारा है, किहो जिही विचारधारा है? इस्लाम दी पूरक विचारधारा है। अरबी भाषा दे शब्द नज़म दा अर्थ है मोतियां नू धागे विच परोना। अरबी भाषा दे शब्द नज़म दा अर्थ है मोतियां नू धागे विच परोना। साहित दे इतिहास दा मुख संबंध किस नाल हुंदा है? अलंकारां ते बिंबां नाल। पंजाबी शायर दा तस्करा पुस्तक दा लेखक है मौला बख्श कुश्ता। किस्सा शब्द किस भाषा तो आया है? अरबी भाषा तो आया है।
किस्सा शब्द काफ़ी की है, काफ़ी एक प्रगीत काव है। सभ्याचार अते पंजाबी सभ्याचारक दा लेखक है गुरबख्श सिंह फ्रेंक। पंजाबी सोहज प्रकाश दा लेखक है साहिब सिंह। पंजाबी साहित दा मुड कदों बच्चा ताहे बच्चा 8वीं-9वीं सदी तो। लोक गाथावां किहो जिहे निज़ाम विच प्रफुल्लित हुंदियां हन। लोक गाथावां जागीरदारी जिहे निज़ाम तो प्रफुल्लित हुंदियां हन। बुझारत दे महत्व विच शामिल नहीं। मनोरंजन दिमागी कसरत ज्ञान विच वाधा इतिहास दा ज्ञान तां बुझारत दे महत्व विच शामिल नहीं है। इस दे नाल मनोरंजन भी हुंदा है, दिमागी कसरत भी हुंदी है, ज्ञान विच वाधा भी हुंदा है, ते इतिहास दा कोई ज्ञान इस विच शामिल नहीं है। सभ्याचार विच परिवर्तन तेजी नाल आउंदा है, संभव नहीं है, हौली हौली आउंदा है, कोई भी ठीक नहीं है, तां हौली हौली आउंदा है सभ्याचार विच परिवर्तन। साहित दी इतिहासकारी दा मनोरथ है साहित्यक पाठां दी काल क्रमता दा निर्धारण। तां इसदा आंसर है साहित्यक पाठां दी काल क्रमता दा निर्धारण। साहित्य दी काल वंड दा विज्ञानिक आधार है साहित्यक प्रवृत्तियां दी निरंतरता। साहित्यक प्रवृत्तियां दी निरंतरता। अग्नि परीक्षा किस लेखक दी रचना है? अमिता प्रीतम दी, दलीप कौर टिवाणा दी, बचित कौर दी, अजीत कौर दी। तां अग्नि परीक्षा है दलीप कौर टिवाणा दी। गलिए चिक्कड़ दूर कर साहित्य अकादमी पुरस्कृत रचना दा लेखक कौन है? हरभजन सिंह, वंजारा बेदी, दविंदर सिद्ध्यार्थी, दलीप कौर टिवाणा। तां इह है वंजारा बेदी दी पुस्तक। पंजाब दे जम्मे नूं नित मुहिमा की है? बुझारत है, मुहावरा है, अखाण है, बोली है, तां इह इक अखाण है। पंजाबी आलोचना रमज विकास अते प्रणालियां किस आलोचक दी रचना है? तां इह ब्रह्म जगदीश सिंह दी रचना है। मून दी अख किस लेखक दी रचना है? तां इह मोहन भंडारी दी रचना है। कहानी संग्रह है मून दी अख। भारतीय ईरानी भाषा दा दूजा नां है आर्य। भाषा दा किस नाल संबंध है? मात्रावां नाल, हिंदसियां नाल, मनुखी जीव नाल, चिहन चिहनक अते चिहनत नाल। तां भाषा दा संबंध है चिहन चिहनक ते चिहनत दे नाल। नरात्यां दे दिनां विच कंधां उत्ते किस दा चित्र उलीकिया जांदा है? लक्ष्मी दा, दुर्गा दा, सांझी माई दा, शीतला देवी दा। तां इह चित्र उलीकिया जांदा है सांझी माई दा। किहड़ा जुट सही है? अलोहनी स्यापा, सिठनी उस्तति, नात पंजन, बोली टप्पा। तां जुट सही है अलोहनी स्यापा दा। कोह ना चली बाबा तिहाई की है? सिठनी है, अखाण है, मुहावरा है, बुझारत है। तां इक बुझारत है, सॉरी अखाण है। कोह ना चली बाबा तिहाई। पंजाब दी किस खेड विच खिडारी सवार ते घोड़ियां बंदे हन? शक्कर भिज्जी दे। बच्चे नूं नज़र तो बचाने लई कीता जांदा है? दुध पिलाया जांदा है, मिर्चां वारियां जांदियां हैं, गुड़ खवाया जांदा है, तेल वार के दान किया जांदा है। तां नज़र उतारन लई मिर्चां वारियां जांदियां हन। सांग की है? लोक बोली है, लोक नाट है, लोक नृत्य है, लोक चित्रकारी है,
ਤਸਾਗਿਕ ਲੋਕ ਨਾਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿਅੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੱਪਾ, ਬੋਲੀ, ਲੋਰੀ, ਸਿੱਠਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਠਣੀ। ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ। ਸ਼ੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕੌਣ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਭੈਣ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਗ ਗੁੰਦਨ ਦੀ ਰਸਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਾਗ ਗੁੰਦਨ ਦੀ ਮਾਸੀ, ਭਾਬੀ, ਭੈਣ, ਮਾਂ, ਤਾਂ ਵਾਗ ਗੁੰਦਨ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭੈਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ। ਕਿਸ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ, ਕੈਨਵਸ 'ਤੇ। ਸੁਰਮੇ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਕਿਸ ਵਿਧਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਹੈ, ਨਿਬੰਧ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੁਰਮੇ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ? ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦਾ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਿਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆਤਮਜੀਤ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅਪੁੱਲ ਯਾਦਾਂ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵਿਧਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਮਰਨ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਜੁੱਟ ਸਹੀ ਹੈ? ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਜੁੱਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਸੈਫੁਲ ਮੁਲੁਕ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪੁੰਨੂ, ਮੁਕਬਲ ਦਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ। ਤਾਂ ਮੁਕਬਲ ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਮੋਢੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦਾ ਮੋਢੀ, ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਆਂਚਲਿਕ ਹੈ? ਆਂਚਲਿਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ। ਕਿਸ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡਸਵਰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ? ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ। ਪੀਲੂ ਰਚਿਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਸ ਸਾਹਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੀ। ਅੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਧਾ ਸੋਨਾ ਕਿਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ? ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਦੀ। ਅੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਧਾ ਸੋਨਾ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਹੈ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ? ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਖੋਜਕਾਰ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮਨ। ਕਿਸ ਕਵੀ ਨੇ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ
ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਂਝੇ ਬਾਰੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ? ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਕਾਵਿ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਣ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਨਾਨੀ ਖਸਮ ਕਰੇ ਦੋਤਾ ਚੱਟੀ ਪਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਿਉਮੇ ਧੀਰਗ ਰੋਗੂ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੀ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗਰਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ। ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਛਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਛਾਵੇਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਝੂਮਰ ਗੀਤ ਕਿਸ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਨ੍ਰਿਤ ਗੀਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।